हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक लेमिनेशन मशीन के बारे में। बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का और बहुत ही खूबसूरत लुक का मैंने एक लेमिनेशन मशीन लेके आया, क्योंकि मेरे पास ये पहले एक लेमिनेटर था, एक्सेलेंट का ये लेमिनेटर है, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम हो गया, ऑटो कट खराब हो गया, जिसके वजह से डॉक्यूमेंट जो मेरा कभी कभी ओवर हीट होने की वजह से खराब हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको अब रिप्लेस करने की सोची और यहाँ पर मैंने एक नया मशीन लेकर के आ गया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ब्रांडिंग क्या हुआ, A3GL मॉडल नंबर, ये वाला जो मॉडल नंबर है इसका लेमिनेटर, A3 साइज का ये आपका लेमिनेशन करके देगा। और दूसरा चीज की ये 3-in-1 टॉप क्वालिटी, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3-in-1 टॉप क्वालिटी लेमिनेटर, ठीक है। यहाँ पे 3-in-1 का मतलब हो गया कि इसके अंदर आपको लेमिनेटर भी मिल जाता है, पेपर कटर भी मिल जाता है, और तीसरा चीज जो है वो कॉर्नर राउंड कटर भी मिल जाता है, जो कॉर्नर को पेपर को जो कटिंग किया हुआ रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये राउंड कटिंग किया हुआ है, तो वो कटिंग कैसे करना है, हम लोग पहले कैंची से काटते थे, लेकिन ऐसा है कि अब इसके अंदर जो हमको मशीन मिला है उसके थ्रू हम कटिंग करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। इसका जो ये कंपनी का नाम है ग्लो लैम कंपनी का सेटिस्फेक्शन गारंटी लिखा हुआ है, तो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा, लुक वाइज भी देखा जाए तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा है ये, ठीक है। तो ये देखिए, व्हाइट कलर का ये फाइबर बॉडी में है, मतलब ये वाला जो था पहले वाला वो मेटल स्टील का था, लेकिन अभी जो है ये आपका फाइबर बॉडी है। इसको मैं इधर से रख लेता हूँ और इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। बहुत ही लुक वाइज देखा जाए तो बहुत खूबसूरत लग रहा है ये, मतलब ये देखिए, देखने में कितना कमाल का स्लिक डिजाइन इसका लग रहा है। यहाँ पर जो ये है, इसको इसके अंदर पेपर रख करके हम इसको इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पे पेपर रखेंगे और इस तरह करेंगे तो कटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पेपर कटर। यहाँ से लेमिनेशन अगर करना है तो आपको इतना चौड़ाई आपको मिल गया है। यहाँ पर आपको मैं स्केल से अगर नाप करके दिखा दूं तो आपका स्केल से आप देख सकते हैं, यहाँ पर मतलब लगभग 12 इंच के आसपास, 12 इंच का है, समझिए 12 इंच के आसपास का आप पेपर कटिंग कर सकते हैं, 12 इंच के आसपास का आप लेमिनेशन भी कर सकते हैं। और दूसरा चीज की इसके अंदर पीछे में आप देखिए, ये जो है साथ में आपको राउंड कटर दिया, मैं इसका एग्जांपल अभी आपको दिखाता हूं। तो अगर मान के चलिए कि ये वाला है पेपर है, ठीक है, अब इसको हमको राउंड कटिंग करना है, तो हमको इस तरह से ऐसे ले जाना है और दबा देना है। यहाँ देखिए राउंड कटिंग हो गया है, तो कितना आसानी से मतलब राउंड कटिंग हो गया एकदम फिनिशिंग के साथ। तो ये काफी यूजफुल होने वाला है आपको, अगर आपका अगर साइबर कैफे का बिजनेस है या लेमिनेशन करते हैं या कुछ करते हैं, तो उस तरह का आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपने इसके पास आपके पास अगर ये नहीं है तो आपको कैंची से कटिंग करना पड़ता है बार बार, और आपको राउंड कटिंग करना पड़ता है, लेकिन अभी इसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से आप कट कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट साथ में दिया है। और दूसरा चीज की आप पेपर कटिंग करके आपको दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मुझे अगर इसको कटिंग करना है तो इसको यहाँ से ले जाएंगे, इस तरह से ले जाएंगे यहाँ पे, जहां से कटिंग करना है यहाँ पर आपको अलाइनमेंट मिला लेना है, ठीक है, यहाँ पर मिलाना है और उसके बाद इस तरह से ऐसे करेंगे, एकदम कैंची की तरह शार्प एकदम कट जाता है, कितना आसानी से कट गया। आपको एक पेपर ही काटने की जरूरत नहीं, अगर आपको अगर लगता है कि ज्यादा पेपर कट करना है तो आप ज्यादा पेपर भी एक साथ कट कर सकते हैं, 4-5 पेपर को भी। तो बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। इसके बाद इधर बात करें तो यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच दिया गया, यहाँ पर कोल्ड और हॉट का भी बटन दिया गया। कोल्ड और हॉट का मतलब है कि अगर हॉट की तरफ रखेंगे तो ये मशीन हीट होगा, और अगर कोल्ड की तरफ रखेंगे तो हीट नहीं होगा, सिर्फ रोल होगा, तो आपको ये रोल आउट कर करके देगा। यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है, और दूसरा यहाँ पर बटन दिया गया कि अगर लाइन कट गया बीच में तो आपको इस तरह से करके पेपर को निकाल सकते हैं बाहर की तरफ खींच करके, इस तरह से ऐसे करना है और पेपर को बाहर निकाल लेना है, और फिर उसके बाद इस तरह छोड़ेंगे तो वापस से पेपर वो नॉर्मल तरह का हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। यहाँ पे अगर लाइन देकर के आपको दिखाएंगे तो अभी थोड़ी देर में आपको इसमें पावर दे करके भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ये पावर रेडी होता है और पावर में क्या होता है, ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो अभी आपने देखा इसका मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया है, अभी मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। पावर में मैंने कनेक्ट कर चुका हूँ, पावर में कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच है, इस स्विच को मैं ऑन कर रहा हूँ,
तो देखिए ऑन करने के बाद जो है हल्का सा वाइब्रेशन इसके अंदर हो रहा है, मोटर इसका जो है वो चलने लगा है, ठीक है। और यहाँ पर आप पावर देख सकते हैं, ऑन है। इसमें पावर को मतलब जो हीट का जो टेम्परेचर है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हीट का टेम्परेचर घटाने बढ़ाने के लिए दिया हुआ था, जिससे आपको जितना डिग्री रखना है उतना आप रख सकते थे। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ये वाला जो वॉल्यूम वाला जो टेम्परेचर कम ज्यादा करने वाला जो बटन है, वॉल्यूम है, वो नहीं दिया गया है, सब कुछ ऑटोमेटिक दिया हुआ है। ये ऑटोमेटिक रेडी होगा तो ये वाला इंडिकेट करेगा, इससे आपको पता चलेगा कि ये ऑटोमेटिक ये रेडी हो चुका है और अब आपको लेमिनेशन मशीन में डालना है। तो आपको इस तरह से डालना है, मैं अभी डाल करके दिखा देता हूँ आपको। इतना डालना है यहाँ पर, उसके बाद देखिए ये डाले और यहाँ से ये पेपर लेने लगा है अंदर। धीरे धीरे ये पेपर अंदर लेगा और यहाँ से आउट, इधर से पीछे से ये आउट करेगा और लेमिनेशन हो जाएगा। अभी मैं इसी तरह से डाल करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी ये कंप्लीट पूरा हीट नहीं हुआ है। काम किस तरह करता है वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जब जैसे ही ये रेडी हो जाता है तो आपको रेडी का सिग्नल मिल जाएगा, तब आपको लेमिनेशन करके लेमिनेशन का जो प्लास्टिक है पेपर में डाल करके आपको डाल देना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से पीछे से वो बाहर निकल चुका है। और अगर खींचना है पेपर तो इसको बटन दबाएंगे और इसको इस तरह से खींच सकते हैं, है ना। तो इस तरह का ये लेमिनेशन मशीन है, बहुत ही मतलब देखने में आपको इससे तो काफी बेटर लग रहा है। इसका लुक देखिए और इसका लुक देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आप एक साथ रख करके आप देखिए कि इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है और इसका लुक कितना ओल्ड मॉडल लग रहा है। ये लेकिन मजबूत हुआ और ये इसके मुकाबले में देखा जाए तो ये उतना मजबूत नहीं होगा, लेकिन आपका जो काम चलाना है वो काम चलाइए और लुक वाइज देखा जाए तो बहुत ही काफी बेहतरीन कूल लुकिंग मतलब दिख रहा है आपको। तो ये ग्लो लैम्प का यहाँ पे ब्रांडिंग दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा, और इसका जो लोगो है बहुत काफी खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। पेपर कटिंग के बारे में भी आपने समझ लिया कि मैंने किस तरह से पेपर कटिंग करना है। इस तरह से इसको अंदर डालेंगे और इसको यहाँ पर उठाएंगे और इस तरह से अलाइनमेंट करके कट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कट हो करके अलग हो गया है। तो बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, 3-in-1 कॉम्बो मशीन है ये। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके बारे में अगर कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं आप। उसके बारे में हम आपको कमेंट करके आप हमसे पूछेंगे, हम उसके बारे में बता देंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इसी तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।